दोस्तों बिग बॉस 13 में जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली वीडियोस में कैप्टेंसी टास्क के बारे में अपडेट रखा है, वैसे ही अभी हम आपको एक और अपडेट देते हैं कि आसिम रियाज शेफाली जरीवाला जो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं उन दोनों में दिखने वाली है अब लड़ाई। वो क्यों दोस्तों आपको बताते हैं इसी वीडियो में। उससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दो सैयद टीवी और साथ ही बेल आइकन को भी मस्त करके दबा देना। दोस्तों बीबी पोस्ट ऑफिस बिग बॉस कैप्टेंसी टास्क घर में जारी है जिसमें सदस्य दूसरे सदस्यों के घर से आए लेटर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे या उनके वो पोस्ट करेंगे। डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो कैप्टेंसी के दावेदार कंटेंडर बन जाएंगे। अब दोस्तों आसिम रियाज ने शेफाली जरीवाला के लेटर यानी कि उनके हस्बैंड पारक त्यागी का लेटर डिस्ट्रॉय कर दिया है जिसके बाद दोनों में होने वाली है बहुत ही बड़ी फाइट, जिसके बाद शेफाली भी कहते हुए नज़र आएंगी कि अब उनकी और आसिम की दोस्ती हो गई है ख़त्म। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आसिम रियाज ने उनका पारक त्यागी का ये लेटर डिस्ट्रॉय करके सही किया या गलत? क्योंकि आसिम को प्रोमो में भी देखा गया है, उन्होंने कहा था कि मैं किसी को भी लेटर नहीं दूंगा और वो डिस्ट्रॉय करेंगे क्योंकि दोस्तों कैप्टेंसी के साथ आती है इम्यूनिटी और अब घर के सदस्य मेरे ख्याल में समझ चुके हैं कि इम्यूनिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है आगे जाने के लिए। तो दोस्तों जुड़े रहना हमारे इस चैनल से, देते रहेंगे आपको ऐसे ही अपडेट्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। गुड बाय दोस्तों।